युग छठ से पूछता है, कैसे अभिमन्यु, कैसे पता लगाया जा सकता है यक्षिणी के अभिशाप के बारे में? कायर हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, जल्दी बता अभिमन्यु, चुप क्यों बैठा हुआ है? अभिमन्यु कायर के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, बता रहा हूँ यार, मुझे बोलने तो दो पहले, तभी तो बता पाऊंगा। कायर और युग चुप हो जाते हैं। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, देख, हम सबको पता है कि युग के पापा यक्षिणी पर कोई सी किताब लिख रहे थे, और कोई भी लेखक किसी भी शख्स पर किताब तभी लिखता है जब उसे उसके बारे में सब कुछ पता हो, उसकी जिंदगी के हर एक दौर से वाकिफ हो, उसकी हंसी खुशी गम सब कुछ पता हो। हो सकता है युग के पापा को पता हो कि यक्षिणी को क्या अभिशाप मिला था, और उन्होंने वो अभिशाप उस किताब के अंदर लिखा हो। युग अभिमन्यु को बीच में ही टोकते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं ना, और मैं तुझे बता चुका हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि पापा की यक्षिणी पर कोई सी बुक पब्लिश भी हुई थी या नहीं। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, यार पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब देखो बीच में कोई ना कोई टोक देता है। हाँ बोल, अब कोई नहीं टोकेगा। अभिमन्यु कहता है, यार देख, जब भी कोई लेखक कोई सी किताब लिखता है तो उसका ड्राफ्ट सबसे पहले अपने पब्लिशर को सेंड करता है। अगर हम किसी तरह से ये पता लगा ले कि तेरे पापा किस पब्लिशर के पास से अपनी किताबें पब्लिश कराते थे, और क्या उन्होंने यक्षिणी की कहानी का ड्राफ्ट उनके पास भिजवाया था, तो हो सकता है हम यक्षिणी के अभिशाप के बारे में पता लगा ले। और यदि एक बार हमें यक्षिणी के अभिशाप के बारे में कुछ पता चल जाए तो हम उससे छुटकारा भी पा सकते हैं। कायर अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, यार देखा जाए तो मुझे तो अभिमन्यु का प्लान ठीक लगता है। युग, तुझको पता है क्या तेरे पापा किस पब्लिशिंग हाउस से अपनी किताबें पब्लिश कराते थे? कायर के मन में तो लड्डू फूटने लग गए थे। वो मन ही मन सोचने लग गया था कि हो सकता है पब्लिशर से मिलकर उसकी भी शायरी की किताबें पब्लिश हो जाएं, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। युग कुछ सोचते हुए कहता है, पापा की 4-5 पब्लिशिंग हाउस से किताबें पब्लिश होती थी। किताबों की रॉयल्टी के सिलसिले में उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था। कछुआ झट से कहता है, कितनी रॉयल्टी मिली थी यार, जरा हमें भी तो बता। युग कछुए पर भिनकते हुए कहता है, यार ये सब लोग ये क्यों जानना चाहते हैं कि एक लेखक को कितनी रॉयल्टी मिलती है? ज्यादा नहीं मिलती, उतनी ही कि जिससे उसका गुजारा चल जाए, समझा? और एक बात, उसकी किताबें तब नहीं बिकती जब वो जिंदा रहता है, बल्कि तब ज्यादा बिकती है जब वो मर जाता है। तू पापा को ही देख ले। अभिमन्यु उन दोनों के बीच में बोल पड़ता है, तो अब तय रहा, अब हमें ये पता लगाना है कि तेरे पापा ने यक्षिणी की किताब या ड्राफ्ट किस पब्लिशर को दिया था। अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी कोई दरवाजा खटखटाने लग जाता है। कछुआ डरते हुए कहता है, अब कौन आ गया और इस भूतिया कोठी में कौन आना चाहता होगा? कायर कहता है, जाकर देख लेना, यहाँ पर बैठे बैठे क्या अंदाजा लगा रहा है। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाने वाला, कहीं यक्षिणी हुई तो? भूल गया, ये उसका दूसरा ठिकाना था, हो सकता है वो वापस आ गई हो अपने ठिकाने पर रहने। कायर अपनी जगह से उठते हुए कहता है, कछुए तू भी ना गजब बातें करता है, वो यक्षिणी है यक्षिणी, अगर उसे आना होगा तो वो सीधे कोठी के अंदर आ जाएगी, ऐसे दरवाजा खटखटाकर नहीं आएगी, समझा? इतना कहकर कायर नीचे दरवाजा खोलने चला जाता है। कछुआ उसके जाने के बाद कहता है, ये भी तो हो सकता है कि ये उसकी कोई चाल हो। कुछ देर बाद युग कहता है, यार ये कायर अभी तक वापस क्यों नहीं आया? अभिमन्यु कहता है, पता नहीं यार, अभी तक तो उसे दरवाजा खोलकर ऊपर आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आया। कछुआ घबराते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि यक्षिणी की कोई चाल भी हो सकती है, देखा कायर यक्षिणी की चाल में फंस गया। अभिमन्यु भिन्नाते हुए कहता है, यार तू 2 मिनट चुप रहेगा, जब देखो मन उस बातें करता रहता है, चल देख कर आते हैं आखिर हुआ क्या। नहीं नहीं, तू ही देख कर आ, मैं यहीं पर रहता हूँ। ठीक है फिर तू यहाँ पर अकेले रहे, मैं और युग नीचे देख कर आते हैं। क्या कहा अकेले, पागल हो रहे क्या? एक काम करते हैं, तीनों साथ में चलते हैं। वो तीनों अपनी जगह पर से उठते हैं और नीचे जाने लग जाते हैं। जब वो हॉल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कायर दरवाजा खोलकर मूर्ति बनकर खड़ा हुआ था। अभिमन्यु कायर को देखते हुए कहता है, अबे ये कायर स्टैचू बनकर दरवाजे पर क्यों खड़ा है? कछुआ डरते हुए कहता है, कहीं यक्षिणी ने कायर को फ्रीज तो नहीं कर दिया? दादी ने मुझे एक बार बताया था, यक्षिणी के पास बहुत सारी जादुई शक्ति थी, उसकी आंखों में ऐसा जादू था कि जो भी उसकी आंखों में देखता था फ्रीज हो सकता था। वो यक्षिणी पर निर्भर करता है कि वो किसे फ्रीज करना चाहती है। अभिमन्यु और युग कछुए की बात का कुछ जवाब नहीं देते और अपने कदम कायर की तरफ बढ़ाने लग जाते हैं। जब वो कायर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे की दहलीज पर ही बिंदु खड़ी हुई थी, जिसे देखकर कायर स्टैचू हो गया था, उसकी आंखों में खो गया था।
युग कहता है, यहाँ पर हम परेशान हैं और ये दोनों नैन मटक्का कर रहे हैं। कछुआ कायर को हिलाते हुए कहता है, अरे कायर, ओ कायर। कायर अपने ख्यालों की दुनिया में से बाहर आ जाता है और बिंदु को देखते हुए कहता है, अरे बिंदु, तुम कब आ गई? बिंदु कायर पर चिढ़ते हुए कहती है, मुझे यहाँ पर आए हुए 15 मिनट हो गए और तुम हो कि मुझे अंदर ही नहीं घुसने दे रहे हो। जब से बोली जा रही हूँ मुझे अंदर जाने दो, पर कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम। कायर हिचकिचाते हुए कहता है, वो मुझे लगा तुम मेरा वहम हो और कुछ नहीं। तुम्हें ना कायर कुछ ज्यादा ही वहम आते हैं। मैंने कहा था ना जैसे ही फ्री हो जाऊंगी आ जाऊंगी, तो अब वक्त मिल गया तो आ गई। कायर दरवाजे के बाहर देखते हुए कहता है, 7 बज गए हैं, अंधेरा भी होने लगा है। तुम अकेले आई हो क्या इतनी दूर? अरे नहीं, अब्दुल आया था साथ में। कछुआ पूछता है, तो फिर अब्दुल कहाँ पर है? वो तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। अरे वो चले गया, बड़ी मुश्किल से आया था यहाँ तक साथ में। अब इस ग्रेवयार्ड कोठी के बारे में किसे नहीं पता, उसे भी यक्षिणी से डर लगता है, इसीलिए यहाँ तक नहीं आया, बाहर से ही चला गया। अभिमन्यु पूछता है, तुम्हें डर नहीं लगता? अरे मुझे क्यों डर लगेगा, यक्षिणी औरतों को थोड़े अपने शिकार बनाया करती है। वैसे ये सब छोड़ो, मैं खाना लेकर आई हूँ तुम सबके लिए। मुझे पता है सुबह से तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया होगा। बिंदु ने अपने हाथ की पॉलीथीन दिखाते हुए कहा। जैसे ही बिंदु वो पॉलीथीन दिखाती है, कछुआ झट से वो पॉलीथीन पकड़ लेता है और खुश होते हुए कहता है, वाह बिंदु, दोस्त हो तो तुम्हारी तरह हो, जो अपने दोस्तों का इतना ख्याल रखती हो। मेरे पेट में तो सुबह से ही चूहे कूद रहे थे, जिस कारण मैं कुछ सोच तक नहीं पा रहा था। बिंदु कछुए के साथ मजाक करते हुए कहती है, वैसे अगर तेरे पेट में खाना भी होता तब भी तू कुछ सोच नहीं पाता, तेरे अंदर दिमाग ही कहाँ है जिससे तू कुछ सोच सके। बिंदु की बात सुनकर कछुए को छोड़कर सब लोग हंसने लग जाते हैं। बिंदु कहती है, वैसे तुम लोगों ने दिन भर से कुछ सोचा या नहीं सोचा, कैसे यक्षिणी से छुटकारा पाना है? कायर कहता है, अरे सोचा है ना। कायर बिंदु को सब कुछ बता देता है जो अभी तक उन्होंने आपस में बातें की थी। सारी बात सुनने के बाद बिंदु कहती है, ये पब्लिशर को ढूंढने वाला प्लान अभिमन्यु का होगा, है ना? कछुआ झट से कहता है, हाँ पर तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे नहीं पता होगा, बचपन से लेकर आज तक ही अभिमन्यु ही तो सारी मुसीबतों से बाहर निकालता है हमें, भूल गए? इसके पास हर चीज का तोड़ रहता था। यक्षिणी के चक्रव्यूह में कैसे घुसना है ये अभिमन्यु जानता है, पर हाँ संभल कर, इस बार तुम्हें उसके चक्रव्यूह से बाहर भी निकलना है। बिंदु खाना लेकर अंदर आती है और सभी लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में सबका खाना पीना पूरा हो जाता है। बिंदु कहती है, अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, माँ इंतजार कर रही होगी। कायर बिंदु को मना करते हुए कहता है, अरे बिंदु तुम इतनी रात में कैसे जाओगी? मैं युग बीच में ही कायर को टोकते हुए कहता है, अरे बिंदु तुम यहीं पर रुक जाओ ना आज रात। बिंदु हंसते हुए कहती है, युग ये गांव है, गांव शहर नहीं जो मैं यहाँ पर तुम लड़कों के बीच रुक जाओ। अगर गांव में ये बात पता चल गई ना तो तुम्हें नहीं पता मेरी कितनी बदनामी होगी। शहर में लड़के और लड़कियों का साथ में रहना चल जाता होगा, पर गांव में नहीं चलता। कायर कहता है, सही कहा बिंदु ने, चलो बिंदु मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ घर तक, तुम कैसे अंधेरे में अकेले जाओगी? कछुआ अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहता है, मैं भी चलता हूँ तुम दोनों के साथ। कायर धीरे से कहता है, आ गया ये कबाब में हड्डी बने, अब तुझे क्यों हमारे साथ चलना है? हम क्या बारात में जा रहे हैं जो साथ में चल रहा है? अरे बारात में नहीं पर जंगल तो जा रहे हो ना, तो अकेले कैसे जाएगा तू? मैं साथ चल देता हूँ अगर तुझे अंधेरे से डर लगा तो। क्या कहा? अंधेरे से मुझे डर लगता है? मुझे डर लगता है या तुझे? सही सही बता, तू आज रात कोठी में नहीं बिताना चाहता इसलिए हमारे साथ चल रहा है ना? तुझे डर लग रहा है ना कहीं यक्षिणी तुझे अपना अगला शिकार न बना ले? कछुआ अपने चेहरे को डर से छुपाते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस ऐसे ही मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता था, सोचा तुम्हें रास्ते में कंपनी दे दूंगा वरना बोर हो जाओगे। बिंदु कछुआ और कायर पर भिन्नाते हुए कहती है, तुम दोनों यहाँ पर बैठे बैठे बातें ही करते रहोगे कि मुझे घर तक भी छोड़ दोगे, मुझे देर हो रही है। कायर कहता है, हाँ चल रहे हैं ना। कायर और कछुआ बिंदु को घर छोड़ने के लिए कोठी से निकल जाते हैं। अभिमन्यु और युग बहुत थक चुके थे इसलिए वो दोनों भी सोने चले जाते हैं। इस तरफ मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन में वर्चस्विनी पुलिस स्टेशन के अंदर कुर्सी पर बैठी हुई थी, तभी वहां पर चार्ली आता है। चार्ली के हाथों में एक फाइल थी। चार्ली वो फाइल वर्चस्विनी को देते हुए कहता है, ये लीजिए मैडम जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। बड़ी देर कर दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाने में, तुम पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने गए थे कि बनाने गए थे? वो मैडम क्या है ना, मैं रास्ते में रुक गया था। क्या कहा, रुक गए थे पर कहां पर? वो मैं ना इस मोहित की जन्म कुंडली निकाल रहा था तो उसी सिलसिले में लोगों से पूछताछ करने लग गया था। तो फिर कुछ पता चला या नहीं? पता चला ना, सब कुछ पता चल गया मैडम जी,
ये जो मोहित है ना, बड़ा ही बदमाश था। अपनी पत्नी को छोड़कर सारी औरतों के साथ अवैध संबंध बनाकर रखे थे इसने। मतलब ये मोहित शादीशुदा था? हाँ मैडम जी, और इसकी एक नहीं दो दो शादियां हुई है। पहली वाली पत्नी जलकर मर गई थी। अब वो जलकर मरी थी या उसे जलाकर मारा गया था, ये राज तो उसकी मौत के साथ ही दफन हो गया। और ये जो दूसरी वाली पत्नी है ना सुधा, सुनने में आया है कि ये मोहित उसे भी बहुत मारा करता था। जैसे ही रात होती थी पीना चालू कर देता था और मारपीट भी चालू। बड़ी परेशान थी मैं तो, उसका बयान लेने भी गया था। बड़ी खुश नजर आ रही थी, मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पति की मौत का जरा भी उसे गम था। वर्चस्विनी कुछ सोचते हुए कहती है, खुश क्यों नहीं होगी, उसे रिहाई जो मिल गई। वैसे भी ऐसे पति का मर जाना ही ठीक है जो अपनी पत्नी को मारता हो। कहीं इस सुधा ने ही तो अपने घर वालों से बोलकर मोहित को नहीं मरवा दिया। नहीं मैडम, ऐसा नहीं हो सकता। सुधा के तो बस पिता ही है, वो भी बहुत बूढ़ा लाचार है वो। वर्चस्विनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ते हुए कहती है, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो किसी के भी फिंगरप्रिंट के निशान नहीं मिले। मैडम मिलेंगे भी कैसे आखिर उस यक्षिणी ने जो मारा है। वर्चस्विनी चिढ़ते हुए कहती है, चार्ली तुम फिर शुरू हो गए। ये गांव में ना यही प्रॉब्लम होती है, एक ना एक कहानी तो होती ही है जिसकी आड़ में छुपकर लोग अपनी जाति दुश्मनी निकालते रहते हैं और लोगों को मारते रहते हैं। इस सब कांड के पीछे जरूर कोई ना कोई शख्स ही है। ये आप किस गारंटी से कह रही है मैडम कि इस सब के पीछे कोई शख्स है? सुबह तक तो आप कह रही थी कि ये सब कोई खूंखार जानवर भी कर सकता है, अब एकदम से किसी शख्स पर कैसे आ गई? इसके दो कारण है। पहला ये कि जिस तरह तुम मोहित के बारे में बता रहे हो तो इससे साफ पता चलता है कि उसके कई दुश्मन होंगे जो उसको मारना चाहते होंगे। हाँ मैडम जी, इसके तो कई लोगों के साथ झगड़े थे, कईयों की जमीन गैर कानूनी तरीके से हथिया कर रखी थी इसने। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि जानवरों को लिखना नहीं आता। मतलब तुम ये कैसे भूल सकते हो चार्ली की मोहित की लाश पर सीने पर रामरो नरामरो लिखा हुआ था, और ये कोई जानवर नहीं लिख सकता। तुम्हें एक और बात बताऊं? हाँ मैडम जी बताइए ना। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये रामरो नरामरो नाखूनों से लिखा गया है, ये खरोच नाखून के हैं। क्या? हाँ चार्ली, ये रामरो नरामरो का क्या मतलब हो सकता है, तुम्हें पता है इस बारे में कुछ? हाँ मैडम पता है मुझे। क्या पता है तुम्हें रामरो नरामरो के बारे में? सदियों से है पुरानी ये यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।